हेलो एंड वेलकम टू मोमसी किचन। आज हम बनाएंगे लाजवाब मटर पनीर बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसके जायके के साथ आपका मन एकदम खुश हो जाएगा और आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके लिए मैंने 150 ग्राम पनीर और 150 ग्राम फ्रेश मटर लिया है, साथ में आधा चम्मच जीरा, तीन छोटी इलायची, आधा इंच दालचीनी टुकड़ा, दो तीन तेज़पत्ता, प्याज को बारीक पीस लें, दो प्याज ले लें और दो हरी मिर्च और दो टमाटर को भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। साथ में आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के हिसाब से, एक चम्मच देगी मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला, और साथ में आप कुकिंग ऑयल एक बड़ा चम्मच और फ्रेश क्रीम दो से तीन चम्मच ले लें। सबसे पहले आप मीडियम फ्लेम पर पैन को गर्म करें और एक टेबल स्पून इसमें घी या ऑयल डाल दें। साथ में आप तेज़पत्ता, जीरा और आधा दालचीनी और इलायची को दरदरा पीस कर डाल दें। हल्का सा फ्राई करें और साथ में आप प्याज का पेस्ट डालकर इसे हल्का सुनहरा होने तक भून लें। लो फ्लेम पर ही मसाले को आप तैयार करें, और जब यह हल्का सुनहरा हो जाए, इस तरह से जुड़ने लगे, अब आप इसमें नमक, हल्दी और देगी मिर्च डालकर मसाले को तैयार करें। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के हिसाब से और एक चम्मच देगी मिर्च लिया है, जिससे इसका कलर एकदम मार्केट जैसा आएगा। अब आप इसे मिला दें और हल्का सा भून लें। अब आप इसमें दो टमाटर का और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें और मसाले को तैयार कर लें। तो इस तरह से मिलाते हुए आप मीडियम फ्लेम पर टमाटर को अच्छी तरह से पका लें। अच्छी तरह से पकाने के लिए आप इसे ढककर दो से तीन मिनट तक रख देंगे तो टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। तो मैंने इसे यहाँ पर ढक दिया है। दो से तीन मिनट के बाद अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है और टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब आप इसमें 150 ग्राम फ्रेश मटर डालकर दो से तीन मिनट तक भून लें, और थोड़ा सा पानी डालकर इसे ढककर तीन से चार मिनट तक पका लें। तीन से चार मिनट में मटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब आप इसे ढक दीजिए और चार मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जब तक हम पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने दूसरा फ्राई पैन इस तरह से चढ़ा दिया है, और इसमें सिर्फ एक चम्मच आप घी डालें और इसमें थोड़े से मसाले डालकर आपको पनीर को शैलो फ्राई करना है। तो मसालों में आप देख लीजिए, मैंने नमक, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर को मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे इस घी में डाल देंगे। घी को मैंने चारों तरफ फैला दिया था, तो आप भी इस तरह से इसे फैला दें ताकि पनीर के हर टुकड़े पर अच्छी तरह से मसाले लग सकें। मसाले को भी आप इस घी में अच्छी तरह से भूनते हुए फैला दीजिए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से मसाले को भूनते हुए फैला दिया है। ये पैन के चारों तरफ मसाला अब लग चुका है। अब आप इसमें पनीर को डालकर दोनों तरफ से इसे फ्राई कर लीजिए। इसमें मसाला अच्छी तरह से लग जाए और ये हल्का सुनहरा हो जाए, या जितना आप भूनना चाहते हो, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप इसे भून सकते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन यूज़ नहीं किया है, जिससे ये सब्ज़ी मीठी मीठी बनती है। तो अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा करारा बनाने के लिए। तो लीजिए, आपका पनीर भी एकदम फ्राई हो चुका है। अब हम इसे उतार कर मटर को देख लेते हैं, गले हैं या नहीं। तो चार मिनट हो चुके हैं, मटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके होंगे। अब हम इसे एक उंगली से दबाकर चेक कर लेंगे। मटर अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितनी हमने ग्रेवी तैयार करनी है उस हिसाब से, और उसे मिला देंगे मसाले में अच्छी तरह से। जब ये मसाले में अच्छी तरह से मिल जाए और उबाल आ जाए, तो अब हम इसमें पनीर डालकर उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पनीर को बिल्कुल बाद में आपने डालना है, नहीं तो पनीर टूटने लगेगा। तो ये देखिए, सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से रंग भी आया है और बहुत ही लाजवाब तैयार हुई है। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम, हरा धनिया और गरम मसाला डालकर इसे फाइनल टच देंगे। तो ये मैंने क्रीम डाल दी है, धनिया और गरम मसाला डालकर अब हम इसे मिक्स कर देंगे। तो आपका मटर पनीर पूरी तरीके से तैयार है, और इसका कलर भी थोड़ा ऑरेंज शेड हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो लीजिए, लाजवाब मटर पनीर तैयार है। आप भी इसे बनाकर खाने के लिए तैयार हो जाइए। इस सिंपल रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी, एक नई ट्रिक के साथ।